वहाँ के कुछ वेलनेस रूम और वो सब है वो देख लेते हैं, उसके बाद चेकआउट करेंगे, और चेकआउट करने के बाद कहाँ जाएंगे दीपक? जिसके लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है, एक रील पे वो चल रहा है ट्रेंड, इसके लिए तो वक्त ही वक्त है, तो हमारे पास शॉपिंग के लिए वक्त ही वक्त है। हम प्राग घूमें या ना घूमें हम शॉपिंग ज़रूर करेंगे, बगल में मॉल है तो हम शॉपिंग करेंगे, हम स्ट्रैटेजिकली सिर्फ एक एक कपड़े लाएं। बहुत ही बढ़िया है, हमने बिल्कुल उसका वो नेम निकाला। स्विमिंग पूल भी है और जकूजी भी है, जकूजी में बहुत मज़ा आता है, वहाँ पर जकूजी है बढ़िया सा। अभी जब कोई नहीं होगा तो दिखाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी और का पिक्चर्स नहीं ले सकते, या उधर साइड से दिखाएंगे। ये मसाज है, मसाज, हाँ, ये और मसाज। वो सोलर रूम है। 60 मिनट 750 1750 स्विस करोना 1750 कितना हुआ, कल कैलकुलेट किया था ना? वैसे ये 20 यूरो में दे रहे थे, अगर हम तब भी इंक्लूड कर लेते तो। नहीं, मसाज नहीं। अब हम होटल चेकआउट कर रहे हैं, और इसका जो पर डे का फेयर है वो हमें पड़ा, क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे किया था, 101 यूरो। प्राग थोड़ा सा सस्ता है और यूरोपियन सिटीज के मुकाबले, और ये फोर स्टार होटल है, अच्छा बड़ा होटल है, भी सस्ता है। और इसके अलावा पार्किंग अलग से हमें पे करनी पड़ी, जो 23 यूरो पर डे के हिसाब से थी। उसकी भी व्यवस्था है, अगर बाहर काफी पार्किंग स्पॉट्स तो भी ने ढूंढे। हाँ, अगली बार से करेंगे। और फिर ब्रेकफास्ट 12 यूरो का था, जो भी मैं तो बिल्कुल यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे वो वाला जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा नहीं लगता। ये है हमारा रूम, ये है 919। मेरे हिंदी स्किल्स वो करा था, 919 में अगर आप रुको इसी होटल में तो फिर हमसे कॉन्टेक्ट ना करना। आते हैं तो दीपक कितना अच्छा रखता है, जब जाते हैं तो देखो कैसा कुछ उम्र कोई नहीं दिखाता, जब जाते हैं तब तो हम दिखा। 90% अच्छा करके चलता हूं, पर अभी मेरे मन नहीं है। ठीक है, जैसे भी वो ये बेड तो वो सब चेंज करेंगे। हाँ, बाकी चीजें कचरा सब एक जगह रख देता हूं। चलो, बाथरूम में कुछ नहीं है? बहुत कुछ है पर वो यही नहीं। चलो, कैफे, और ये बिल्कुल यहीं से है मॉल की एंट्री। चलो, ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है बैंगलोर के ऑफिस आ गए फिर से। ये देखो ऐसी ही बिल्डिंग है, एक्चुअली दीपक इस टाइप की बिल्डिंग थी भी बैंगलोर में। ऐसा ऑफिस आ रहे हैं, कितना अच्छा है, ऑफिस के बगल में मॉल। ऐसा बैंगलोर में भी था क्या? हाँ था, बहुत सारे थे, था जितने भी आईटी पार्क थे उनके आसपास। क्या कुछ कह रही थी सुरभि? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये बैंक की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी क्या होती है? सारा नोट यही तो है, इन्हीं के पास तो है।
हमारा लूट तो नहीं है इनके पास, राइफल्स राइफल्स एंड बंक ऐसे फोटो डाल देते हैं। स्टार्टिंग न्यू जॉब इन दिस बैंक। कहाँ जा रही हो? मॉल में शॉपिंग करने, एक ही कपड़ा पहन के घूम रही हूँ। और इस मॉल में खाने की भी उत्तम व्यवस्था है ना? हाँ, मतलब इंडियन बहुत अच्छा है। मैंगो, सबसे पहले तो वो मैं मैंगो जूस पीऊंगी। हाँ यार, मैंगो शेक, उसके बाद खाना वाना अलग बात है, मैंगो शेक जरूर पीऊँ। अरे मेरे पास कुछ खुले पैसे पड़े थे। कोई बात नहीं, वो एक यूरो था, वो 40 फ्रैंक। हाँ, एक डेढ़ यूरो था। वो आ जाती मैंगो जूस। हाँ, मेरे पास है। नहीं, वो बच जाएंगे। आई डोंट वांट टू वेस्ट मनी। सुरभि पहुंच गई है इसके फेवरेट डेस्टिनेशन पर, शॉपिंग मॉल। कहाँ से शुरुआत की जाए? देखते हैं कौन से ब्रांड से। एक आप पे तो घुसूंगी, एक चीज तो जरूर लूंगी। चलो, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही है ना दीपक, थोड़ा बहुत एक एक कुछ लेके और फिर चलते। फिर से आ गए हम लोग कुछ खाने के लिए। आज ये मंगाया है। आज का कितना बिल है? 400 बिल है और मैंने थोड़ा स्पाइसी करा लिया। मैंने तो शॉपिंग कर ली, पहनकर कुछ और गई थी। और दोस्तों, ताजा खबर, ये इंसान और ये जो कैमरे के पीछे इंसान है, हम कितने बड़े पुआ है ना यार, फुल्लड़ है भी इंसान। हम जा रहे थे प्राग घूमने, मतलब प्राग में ही है, हम सोच रहे सिटी सेंटर चलाएं, अगला दिन है आज। यहाँ तक आए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आगे, और हमारा मूड पलट गया, हम जा रहे हैं घर। हम मजा नहीं आ रहा, गर्मी हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है गर्मी में। चलो घर, घूम गया प्राग, सड़ेला घर पे चल के पिक्चर देखेंगे। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। बारिश कर रहे हैं हम, देखो इतने ये ऐसा कुछ बना रखे हैं यहाँ, अलग अलग कलर के। अभी आगे भी आएगा एक कलर का। दीपक, कुछ है कम यहाँ पर? थोड़ा सा कम है। यहाँ 1.7 है, 1.71 पर लीटर है। 1.71 इंडियन रुपीस कितना हो जाएगा? 80, 856, 136 रुपए। और वहाँ कुछ जर्मनी में 1.8 कुछ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सस्ता, थोड़ा सा उतना। 80, 84, 144। मैंने सब रिकॉर्ड कर दिया जो भी तुम कर रहे। हमारा फोन ले गया कोई तो? अच्छा, फोन लेकर आऊं? देख सुरभि कहाँ जा रही, मुझे नहीं करनी। हाय हाय, और हम जा रहे हैं घर, और सुरभि को हम बीच रास्ते में रुके हैं। सुरभि नीचे बैठ गई, एक सवाल का जवाब। Where do you see yourself after 5 years? Right here, sir, right here.
मारहत कर रही है।